फ्रेंड्स, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में और एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ राधानगर बीच में, हैवलॉक आइलैंड पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे कि आप सबको पता है। आप अगर अंडमान में आना चाहते हैं तो राधानगर बीच पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये अंडमान का सबसे बेस्ट बीच है हैवलॉक आइलैंड पे। तो आज करीबन टाइम हो रहा है 5 बजने को, अभी सनसेट का टाइम है। तो यहाँ में काफ़ी लोग है, काफ़ी लोग अभी समुद्र में नहा रहे और सनसेट भी होने वाला है। सनसेट आज दिखेगा नहीं क्योंकि बादल जैसा है। अभी जून महीना चल रहा है, जून महीना में काफ़ी सारा बादल रहता है, बारिश का टाइम रहता है, उसकी वजह से सनसेट दिखता भी नहीं है। और इस टाइम में समुद्र में बहुत काफ़ी हल्का रहता है। आया है राधानगर बीच में। राधानगर बीच आप अगर कोई रिजॉर्ट में रुके हो तो जो गोविंद नगर साइड में काफ़ी सारा रिजॉर्ट्स है, वहाँ पे अगर रुके हैं तो वहाँ से आपको अगर राधानगर बीच में आना है तो आपको गाड़ी हायर करके आना पड़ेगा या तो स्कूटी हायर करके आना पड़ेगा। तो स्कूटी अगर हायर करके आप आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग प्लेस है, जहाँ से आप जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारा छोटा छोटा दुकान है जहाँ से आप सामान कुछ खरीद सकते हो, कुछ सूविनार वगैरह आपको अगर खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, हमने बीच पे घूम रहे हैं, मैं और ऋतुराज आया है दोनों। देखिए यहाँ पे बीच पे अभी लोग कम भी होते जा रहा है, तो हमें काफ़ी मज़ा आया बीच में घूम के। तो फ्रेंड्स, अभी अंधेरा होने वाला है, हम लोग अभी वहाँ जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे अंधेरा होने के भी काफ़ी लोग अभी समुद्र में तैर रहा है, समुद्र का मज़ा ले रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है और यहाँ में अनाउंसमेंट भी चल रहा है कि 5:30 तो 5:30 बजे तक यहाँ में नहाने को अलाउड है पानी के अंदर। उसके बाद सबको बुला लेते हैं यहाँ पे लाइफ गार्ड लोग, तो इसलिए सबको अनाउंसमेंट कर रहा है। अगर आप कभी आएंगे तो आप पहले से ही आपको जानकारी मिल जाएगा कि हाँ आप कितने बजे तक तैर सकते हो, कितने बजे तक आपको पानी का बाहर आना पड़ेगा। और क्या है, यहाँ पे पानी का बाहर आने के बाद शाम को भी आप बीच में रह सकते हो, लेकिन पानी का अंदर नहीं जा सकते हो, ये यहाँ का गवर्नमेंट का ही रूल्स है। तो फ्रेंड्स, जब जून महीना का टाइम चलता है तब देखिए समुद्र के बालू देखिए ऐसे काट के लेके जाता है हल्पा में। फिर जब दिसंबर जनवरी का टाइम आता है तब फिर से बालू वापस आ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सिटिंग एरिया है जहाँ पे आके हम बैठ सकते हैं, बैठ के बीच का आनंद ले सकते हैं। टावर हाउस है जहाँ पे लोग चढ़ के बैठे हैं, फोटो शूटिंग वगैरह भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, जिसको ऐसे हमारा आवाज़ थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा होगा आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिले। और हम अभी वापस जा रहे हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।